तो फ्रेंड, आप सभी को हमारे चैनल योर इंटरनेट हेल्पर में बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दिल्ली चुनाव 2020 के एग्जिट पोल, जो सारे चैनल की तरफ से, जो लगभग एबीपी न्यूज़, सीबुटार, आज तक सभी या इंडिया टुडे की तरफ से, जितने सारे चैनल की तरफ से एग्जिट पोल किया गया है, तो उसी वीडियो में हम आपके साथ शॉर्टकट में बताने वाले हैं। तो सभी चैनल के एग्जिट पोल या अपडेट हम इस वीडियो में बताने की कोशिश करेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि वीडियो को लाइक करने के साथ साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो ऐसे इंफॉर्मेशन पाने के लिए चैनल को तुरंत ही सब्सक्राइब कर ले। अगर पहले हम बात करें टाइम्स नाउ और इप्सस की जो एग्जिट पोल निकल कर आया है, अगर उसी के मुताबिक या टाइम्स नाउ के एग्जिट पोल के मुताबिक बात करें, तो यहाँ पे बीजेपी को 26 और लगभग आम आदमी पार्टी को 44 सीट मिला है, और यहाँ पे कांग्रेस को 0 सीट मिला है। तो यह टाइम्स नाउ और इप्सस की यह एग्जिट पोल है। तो उसके बाद बात करें तो रिपब्लिक जन की बात के बारे में, या उनकी जो एग्जिट पोल यहाँ पे दिया गया है, अगर यहाँ पे देखें तो देख सकते हैं 48 से लगभग 61 आम आदमी पार्टी को मिला है, और यहाँ पे बीजेपी को 9 से 21 और कांग्रेस को 0 से 1 मिला है। तो यहाँ पे उन्होंने कांग्रेस को एक, तो उसमें अगर बात करें तो TP9 सिसरो में जो आम आदमी पार्टी को दिया गया है एग्जिट पोल के मुताबिक, तो उनको 54 सीट यानी 54 सीट दिया गया है, और बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी को 15 सीट और कांग्रेस को 1 सीट मिला है। तो ये TP9 और सिसरो के एग्जिट पोल के मुताबिक। उसके बाद टाइम्स नाउ और इप्सस के जो अपडेट हमने आपको तो पहले ही दे दिया है, उसके बाद यहाँ पे रिपब्लिक का भी अपडेट दे दिया है। तो यहाँ पे न्यूज़ एक्स की जो, या न्यूज़ एक्स और पोल स्टार की तरफ से जो एग्जिट पोल निकाली गई है, उसमें अगर देखें तो देख सकते हैं आम आदमी पार्टी को 50 से 56 और बीजेपी को 10 से 14 और कांग्रेस को यहाँ पे कोई सी। तो उसके बाद बात करें तो TP9 भारत वर्ष और सिसरो की जो अपडेट यहाँ पे, TP9 भारत वर्ष की जो अपडेट यहाँ पे दिया गया है, 52 से 64 यहाँ पे आम आदमी पार्टी को मिला है, और बीजेपी को लगभग 6 से 16 सीट, और इंडिया टुडे या एक्सिस माई इंडिया की तरफ से जो एग्जिट पोल निकाली गई है, उसमें 59 to 68 आम आदमी पार्टी को दिया गया है, और बीजेपी को 2 से 11 और कांग्रेस को यहाँ पे 0 सीट मिला है। और एबीपी न्यूज़ और सी का तो अपडेट हमने पहले ही आपको दे दी। तो लगभग हमने आपको कुछ अपडेट यहाँ पे दे दिया है, या अन्य सभी चैनल की जो अपडेट या एग्जिट पोल निकाली गई थी, सभी अपडेट हमने आपके साथ शेयर किया है। तो देखा जाएगा 11 तारीख में उस अपडेट के मुताबिक आ सकता है या उससे ज़्यादा बढ़कर आ सकता है। तो एग्जिट पोल हमने शेयर किया है, आप भी सभी के साथ शेयर कर सकते हैं, और अगर आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।